अगर आप 10,000 रुपीज़ के अंडर एक ऐसे स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हो जो कि आपको एक फ्लैगशिप वाला डिज़ाइन है वो प्रोवाइड करवा सके, तो मैं कहूँगा आज का ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपने कहीं पर भी मिस मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जानते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो जिस स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा हूँ वो है टेक्नो का, और इसका मॉडल है स्पार्क 5। ये जो फ़ोन है वो फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसका लुक और डिज़ाइन है वो मेरे को इतना अच्छा लगा कि आप मतलब इसको खुद एक्सपीरियंस करोगे जब आप इसको बाय करोगे। और मैंने जब इसको पहली बार देखा था इस फ़ोन को, तब मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब ये फ़ोन तकरीबन 15,000 या 20,000 के आसपास का होगा। लेकिन फिर बाद में मेरे को इसकी ओरिजिनल प्राइस का है वो पता चला, तो लगा कि ये 8,000 का ही फ़ोन है। रियली अमेजिंग। अभी मेरे पास जो है वो 2GB RAM 32GB स्टोरेज वाला फ़ोन है, और इसको जब मैंने मतलब इस डब्बे का भी अगर आप देखोगे यूज़ कर मतलब पहली बार अपने हाथ में लोगो, तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जैसे आपने कोई फ्लैगशिप वाला फ़ोन है वो ख़रीद लिया है। ले चलिए अब बॉक्स को करता हूँ ओपन में, और अब बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहले ऊपर एक मोबाइल देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको एक TPU केस देखने को मिलता है जो कि एक अच्छी क्वालिटी का है, और आपको यहाँ पर कुछ प्रेम पत्र देखने को मिलते हैं, उनको आप मत पढ़िए। और बाकी आपको यहाँ पर एक USB केबल देखने को मिलती है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पर आपको एक 5W का एक नॉर्मल चार्जर देखने को मिलता है। तो चलिए बाहर निकालते हैं इसी शानदार स्मार्टफोन को और बात करते हैं इसके कुछ फीचर के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो इसका लुक एंड डिज़ाइन है वो बिल्कुल आपको मतलब एक फ्लैगशिप जैसा देखने को मिलता है। अगर मैं इसी स्मार्टफोन को किसी अदर मोबाइल से कंपेयर करूँ तो वो मैं करूँगा इसको Vivo Y50 के साथ, क्योंकि इसका डिज़ाइन है वो बिल्कुल Vivo Y50 के जैसा है, सिर्फ फ़र्क है कैमरे का। जहाँ पर Vivo Y50 के अंदर आपको चौथा कैमरा देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको टेक्नो स्पार्क 5 के अंदर फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। दोनों में आपको 4-4 कैमरे देखने को मिलते हैं, और कैमरा की क्वालिटी अलग हो सकती है, लेकिन जो इसका डिज़ाइन है, इसका जो लुक है वो वाकई में काफ़ी अमेजिंग है। और इसमें अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट में, तो यहाँ पर आपको फ्रंट का डिज़ाइन भी वो बिल्कुल आपको Vivo Y50 के जैसे ही देखने को मिलेगा। तो जब तक ये बूटअप होता है तब तक मैं बात करता हूँ इसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पीछे की तरफ आपको 13+2+2+AI लेंस देखने को मिलता है, एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ से नीट एंड क्लीन है। लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन और पावर बटन देखने को मिलता है। राइट साइड में आपको एक सिम इजेक्टर टूल, नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल, एक microUSB केबल, प्राइमरी माइक्रोफोन, एक 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिलता है। सामने की तरफ यहाँ पर आपको एक 8MP का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा डिज़ाइन देता है इसी फ़ोन को। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ Vivo Y50 से, तो आप देख सकते हैं क्लियरली Vivo Y50 की जैसे कॉपी लग रही है। ये तो बात हुई इसके लुक, फील और डिज़ाइन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अब इसके एंड्रॉयड वर्जन के बारे में। तो यहाँ पर जो कस्टम जो आपको UI देखने को मिलती है, जो कि iOS 6.1 है, और ये बेस्ट एंड्रॉयड 10 है। अरे यार ये तो सहरी हो गई। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इसका एंड्रॉयड वर्जन है वो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी एंड्रॉयड वर्जन है वो इसमें 10 है, यानी ये जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड 10 पे काम करता है, जो कि एक अच्छी बात है। लेटेस्ट एंड्रॉयड आपको देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसके सिक्योरिटी पैच की, तो आपको सिक्योरिटी पैच है वो मतलब ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन 5 अप्रैल 2020 का देखने को मिलता है। लेकिन अभी इसका जल्द ही एक नया अपडेट आने वाला है, जिसमें आपको जुलाई या जून का सिक्योरिटी पैच है वो देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ इसके और फीचर की, तो यहाँ पर आपको एक गेमिंग मोड है वो देखने को मिलता है। यानी गेमिंग मोड में आप क्या कर सकते हो कि गेमिंग मोड ऑन करके आप PUBG लाइट और फ्री फायर दोनों को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप है या फिर लैग वगैरह वो देखने को नहीं मिलेगा। ये एक अच्छी बात हो जाती है इसी फ़ोन की। अगर मैं बात करूँ इसके और फीचर की, तो यहाँ पर आपको पता है कि इसमें आपको जो ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं उनको आप हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ब्लॉटवेयर हैं जिनको आप हटा नहीं सकते। तो इसके लिए आपको मतलब कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि मतलब आपको रखने हैं तो रखने हैं, अदरवाइज आप रूट करके भी इन सबको हटा सकते हैं। अगर बात करूँ मैं इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको MediaTek का Helio A22 क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस फ़ोन के साथ साथ जो इसका TPU केस है, वो भी एक प्रीमियम में जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं उनकी आपको फीलिंग प्रोवाइड करवाएगा। और इसकी क्वालिटी भी है वो काफ़ी अच्छी है, और जो इसकी फ्लैश लाइट की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, यानी आपको ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलती है और फ़ोन के मुकाबले। वहीं पर इसमें आपको आगे और पीछे दोनों तरफ फ्लैश लाइट देखने को मिलती है, यानी कि आप नाइट शूट भी है वो अच्छे से क्लिक कर पाओगे, और आपको सेल्फी लेनी है तो भी आप ले पाओगे। वहीं इसके कैमरे के अंदर आपको ढेर सारे भरपूर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ सैंपल है वो देख सकते हो इसी फ़ोन से ली हुई। अब मैं बात करता हूँ इसके मेन फीचर की, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का AI क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है,
6.6 इंच की डॉट इन डिस्प्ले देखने को मिलती है, ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, ड्यूल 4G सपोर्टेड है, एंड्रॉइड 10 पे काम करता है, फिंगरप्रिंट सेंसर आप अच्छे से वर्किंग है, वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है, 8 मेगापिक्सल का डॉट इन सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी है, 2GB रैम, 32GB स्टोरेज और बिगर रैम प्लस रोम आपको देखने को मिलती है इस प्राइस सेगमेंट पे। और वहीं पर आपको अगर मैं बात करूँ इसके और फीचर की, तो इसका डिज़ाइन और इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो रियली अमेजिंग है, काफ़ी अच्छा है। तो बस ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये फ़ोन बाय करना है तो आप अच्छे से बाय कर सकते हैं, मैं कहीं पे भी आपको लिंक नहीं देने वाला, आप मार्केट में जा सकते हैं या फिर आपको ऑनलाइन बाय करना है तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आता है तो। ये स्पेशली कोई गेमर के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल यूज़र्स के लिए है, जो कि मतलब पबजी लाइट वगैरह खेलते हैं या फिर मतलब इधर उधर कॉल करने के लिए है। जो इसकी 5000 mAh की बैटरी है वो रियली अमेजिंग है। तो गाइज आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।